अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो आप लोगों को पता है मैं जापान में मौजूद हूँ और नगोया में हूँ। तो आज का जो सा टूर है वो काफ़ी अनप्लान टूर बना है, तो इसलिए मेरे पास कोई माइक भी नहीं है और एसेसरीज भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी सी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो हम लोग नगोया में नगोया कैसल में आए हैं, जो कि बहुत फेमस है। अगर आप नगोया में हों तो ये कैसल आप लोगों को लाजमी विज़िट करना चाहिए। ये 1945 में दूसरी जंग अजीम में टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। 1945 से 1947 में बहुत डिस्ट्रॉय हुआ था। तो आई थिंक 1951 में इन लोगों ने इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया। तो ये बहुत प्यारा कैसल है, आप लोगों को ये दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आप नगोया कैसल को विज़िट करना चाहते हैं तो 500 येन की टिकट आपको मिलेगी और आप इसका कैसल जो उनसे प्यारा सा कैसल है वो विज़िट कर सकते हैं। तो टिकट हमने ले ली है, अब आप लोगों को दिखाते हैं। असल में जब से मैं नगोया में आया हूँ, ये मेरे मामू हैं, ये मुझे कोई टिकट के पे नहीं करने दे रहे, तो मुझे नगोया का जो उनका टूर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है मामू। पहली दफा आयो इसलिए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। लगता है मुझे हर मुल्क में अपने मामू बनाने चाहिए, तो मेरे जो वर्ल्ड टूर है वो फ्री हो जाएगा। मामू बना के मेन बिल्डिंग है, मेन रेजिडेंस है, और कुछ लोग उसके पीछे जा रहे हैं वहाँ से होते हुए, क्योंकि वो लोग इधर खड़े नहीं हुए और वो इधर नहीं जाना चाह रहे। यहाँ पे आपको हिस्ट्री की सारी चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पे जो किंग वगैरह थे वो कैसे रहते थे। तो आप हम लाइन में खड़े हुए हैं और अंदर जाते हैं, देखते हैं कि अंदर जाके ये वीडियोज़ बनाने देते हैं या नहीं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ये बादशाह लोग कैसे रहते थे। तो दोस्तों ये बता रही है आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। सेल्फी स्टिक आप अंदर लेके नहीं जा सकते, फ्लैश नहीं यूज़ कर सकते ताकि दूसरे लोगों के लिए डिस्टरबेंस पैदा ना हो, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। बाकी मोबाइल से वीडियोस वगैरह आप बना सकते हैं। इरा शिमा सर इन नगोया खेसो, इसका मतलब है जी खुश आमदीद इन नगोया खेसो।
तो दोस्तों ये जो हमने लकड़ी का काम देखा है अंदर, देखा है कि कैसे ऑफिशियल लोग, लोगों के वहाँ पे रूम वगैरह होते थे, बहुत कमाल का लकड़ी का काम इधर हुआ हुआ है। ये तकरीबन मामू बता रहे हैं कि 5 से 6 साल पहले इन्होंने ये बनाया, उससे पहले नहीं था। और उन्होंने हर चीज़ ऐसी बनाई है जैसी वो बादशाह लोग रहते थे, वही पेंटिंग, वही वुड का काम का इस्तेमाल हुआ हुआ है। और ऐसा वुड का काम मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखा, जो जिस तरह का वुड का काम और जिस तरह की पेंटिंग यहाँ पे लोगों ने अपने रूम के लिए डेकोरेशन की हुई थी। तो ये ज़्यादा ऑफिशियल लोगों के रूम थे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप पाकिस्तान में भी या जर्मनी में भी किसी कैसल में जाएं, आपको बहुत बड़े बड़े रूम मिलते हैं। इनके रूम का साइज़ ऐसा ही था जैसे इनके घरों में घर छोटे हैं और उनके रूम का साइज़ होता है। तो ये चीज़ आई थिंक इनकी शुरू से है, कल्चर में है। अनफॉर्चुनेटली हम नगोया कैसल के ऊपर मेन टावर में नहीं जा सकते, और ऊपर से नगोया का जो सा व्यू होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से या कुछ रीजन की वजह से अभी इन्होंने क्लोज किया हुआ है। दोस्तों ये बता रहे हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1945 में, ये वाला दरवाजा जो उनसे टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद 1978 में इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया इस दरवाजे को। नगोया कैसल का आज का व्लॉग, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। अनफॉर्चुनेटली कैसल जो सा था वो मेंटेनेंस की वजह से बंद था, तो मामू ऑलरेडी उधर जा चुके हैं। मामू अंदर से कैसा है कैसल? अंदर से बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है अंदर से। तो इनकी पूरी अंदर की हिस्ट्री है इसमें वो बताते हैं, आप देख सकते हैं उन्होंने बनाई हुई है, पूरी अक्सबंदी भी की हुई है उसमें। सही, मतलब जो जंगे ये लड़ाइयाँ लड़ते हैं उसका असला भी है। सही, पुराने दौर का सारा कुछ इसमें है। सही, अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर से नहीं जा सका, लेकिन मैं बाहर से कहूँगा, बाहर से कैसल बहुत प्यारा था। आप लोग इधर आके एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मौसम अच्छा हो, धूप वगैरह निकली हो, आप पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, तो आप लोग लाजमी इधर आइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।